अली भाई, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अलड़ा टीवी एक यूट्यूबर चैनल है जो जो गोहर चा चलाता है, तो अब आप उस बंदे के ऊपर वीडियो बनाते हैं जो बाबों को मानता और कहानियां करवाता है, लेकिन आपने उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई? वो किसी फिरके से ताल्लुक ही नहीं रखते जी। वो जिन सूफिया के तबके से उठे हैं ना, इवन जो गौरशाही साहब हैं उनके अपने जो पीछे लोग हैं, उन्होंने मुझे बकायदा ईमेल करके कहा था कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, उनको कोई भी ऑन उस एतबार से नहीं करता। दूसरी बात, वो किसी मकबे फिक्र से बिल्ट अप उनका नहीं है। जब किसी मकबे फिक्र से उनका बिल्ट अप ही नहीं है तो मुझे उनका रद्द करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मेरा इख्तलाफ तो उन मकादबे फिक्र के साथ है जिनके लोग मुतासरीन है। जब मैं तसव्वुफ का रद्द कर देता हूं, सूफीज्म का रद्द कर देता हूं, तो उसमें भले देवबंदी आते हों, देवबंदी अहले हदीस आते हों, या बरेलवी आते हों, या जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी आते हों, तो इन प्रिंसिपल वो सब के सब कवर है। मेरा टारगेट वो लोग हैं जिन लोगों की फॉलोइंग करोड़ों में है, जिनकी मस्जिदें लाखों में है, जिनके उलमा लाखों में है, और जो एज ए फिरका एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिनसे मुसलमान ताल्लुक रखते हैं। इस तरीके से ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनसे दीन को कोई खतरा नहीं है जी, इनकी जहालत से दीन को कोई खतरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनकी जो जहालतें हैं वो उनसे बड़ी फॉर्म में उन लोगों में पाई जाती हैं जिनसे दीन को खतरा है, जिनके पास मस्जिदें हैं, जिनके पास उलमा है, और ऑर्गेनाइज तरीके से वो अपने फिरके को फैला रहे हैं। तो जब हम उनकी गलतियों का रद्द कर देते हैं तो ये तो बेचारे शाही कोई नहीं है, तो वैसे ही बीच में आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये वजह थी। इस बेचारे की क्या औकात हो सकती है यार, इसका क्या लेना देना। तो वो जो कॉन्सेप्ट बयान कर रहे हैं ना, उन कॉन्सेप्ट का तो मैं रद्द कर रहा हूं ना। मसला जो है वो कॉन्सेप्ट का रद्द करना है। अगर ये किसी फिरके से जुड़ा होता, कोई बहुत बड़ा फिरका इनको गोद लिए हुए होता, फिर बात अच्छी लगती थी। अब मसला है कि वो जिस बुजुर्ग का नाम ले रहा है वो बुजुर्ग से खुद डिसोन करते हैं, और वो जो बुजुर्ग थे उनको बरेलवियों से वो निकले थे, बरेलवी उनको काफिर समझते हैं। जब बरेलवी किसी सूफी को काफिर समझे तो मुझे तो ऐसे सूफी का रद्द करने की जरूरत ही नहीं है जिसको बरेलवी भी काफिर समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी गुमराही के ऊपर है, तो मुझे तो जरूरत ही नहीं ना। मैं तो उस गुमराही को हाथ डालूंगा जिसके बारे में लोग शक में पड़ गए हैं कि पता नहीं ये बुजुर्ग हैं या नहीं है। जिनको बुजुर्गों के मानने वालों ने काफिर डिक्लेयर कर दिया तो जरूरत ही नहीं उनको आगे जाने से, उनसे कोई बंदा मुतासर नहीं होगा बेफिक्र है, सवाय चांद एक लोगों के। तो वो मैंने उसूल में सबकी बात कर दी हुई है। ठीक हो गया भाई, ठीक है। आपके दो सवाल हो गए। सवाल नंबर 18 है फयाज का, लाहौर से पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि कादियानी अपने मजहब की तबलीग कर सकते हैं, क्या वो सही फैसला है? इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा। हमारे भी इस फैसले से कोई रिजर्वेशन है किसी हद तक। आज वैसे सुप्रीम कोर्ट ने ना उसकी पूरी क्लैरिफिकेशन भी जारी की है, जो ये कुछ तूफान बदतमीजी बरपा हुआ हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। बेसिकली तो वो सियासी जमात वाले अपना गुस्सा निकाल रहे थे दीन के साथ, इन लोगों का क्या लेना देना। तो वो इंशाल्लाह मैं मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा संडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला। हम तो डिमांड करेंगे कि सिर्फ कादियानियों का तर्जमा नहीं बल्कि बरेलवी, अहले हदीस और देवबंदी उलमा और बुजुर्गों के कुरान के तराजिम में भी बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हैं, उनकी प्रिंटिंग की भी इसलाह करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ कादियानियों को सिंगल आउट ना करें, बाकियों ने भी तर्जमों में बहुत गड़बड़ की है। बल्कि बरेलवियों का तो क्लेम है कि देवबंदी अहले हदीस के तो तर्जमे है ही कुफरी हैं, वैसा ही कादियानियों के मुकाबले पे तो एक हुए हैं, आपस में एक दूसरे को काफिर समझते हैं ये। और मैं इनके तराजिम के इख्तलाफ भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, जमीन आसमान का फर्क है। अहमद बरेलवी ने भी कुरान में डंडियां मारी हुई हैं, अशर थानवी ने भी डंडियां मारी हुई हैं, वाबियों ने भी डंडियां मारी हुई हैं, शिया ने भी डंडियां मारी हुई हैं, वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 है अजीम खान का, इंडिया से पूछते हैं, क्या अशरफ अली ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया था? अगर वो बंदा होश हवास में होता तो फिर आपकी मैं बात मान लेता, वो तो होश हवास में था ही नहीं। यार आप लोगों ने हमारा मुकदमा सुना ही नहीं फिर पूरे तरीके से। हमने बार बार कहा है कि हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबे को कह रहे हैं, कि जो बाबा था
उसको चाहिए था कि वो उसे कहते कि तुम पर शैतान का गलबा हुआ है, तुम तौबा करो। इसकी बजाय उन्होंने कहा कि इस वाक्य में तुम्हारे लिए तसल्ली है। उन्होंने भी ख्वाब नहीं कहा, वाक्या कहा है, ख्वाब प्लस बेदारी। हमने किसी वीडियो में उस शख्स को जिसके बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि उसका ज़हरी तवाज़ुन बिगड़ गया था या वो होश में नहीं था, जाहिर है बुजुर्गों के साथ जो भी अटैच होगा उसके साथ यही कुछ ही होगा ना, होश तो उसकी पहले मारी जाएगी ना, अकल तो मारी जाएगी उसकी, तो उसको तो होश नहीं है, लेकिन जो जवाब देने वाला है वो तो होश में है ना, उसे चाहिए था। वो कहता कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम्हारे हाल पर रहम करे कि तुमने क्यों मेरे नाम का कलमा पढ़ा, अल्लाह ताला से रुजू लाओ इस मामले में कि तुम्हारी जुबान के ऊपर, वैसे तो बुजुर्गों के साथ अटैच हो के अल्लाह का नाम आना चाहिए, ये कौन से बुजुर्ग से अटैच हो रहे हैं कि उस बुजुर्ग के नाम का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, तो बुजुर्ग के ऊपर भी लानत पड़ी हुई है और उसके मानने वाले के ऊपर भी लानत पड़ी हुई है, अगर बुजुर्गी का यही मियार है। आज आप किसी दुनियादार शख्स के सामने भी जाके कहें कि मैंने तुम्हारे नाम का कलमा पढ़ा ख्वाब में, मुझे होश नहीं थी, वो भी कहेगा यार मुझे मरवाने लगा तू, तौबा कर। लेकिन इनका जो मरीजुल उम्मत है, वो मरीजुल उम्मत था, उसके मर्ज में इजाफा ही हुआ। तो हम बाबे को कह रहे हैं, बाबी को नहीं कह रहे। और दूसरा थानवी साहब का तो खुद अपना चिश्ती रसुल्ला उनकी अपनी उस किताब में उन्होंने दिफा कर दिया है, उन्होंने तो चिश्ती रसुल्ला का भी दिफा किया मैं। और तीसरा बरेलवी तो ऑलरेडी अशरफ थानवी साहब को इस वाक्य की वजह से मतून करते हैं, मुझसे पहले कर रहे हैं, मेरी पैदाइश से भी पहले थानवी रसुल्ला वाला वाक्य के ऊपर बरेलवियों ने इनको काफिर कहा हुआ है। हम तो सिर्फ इबारत को कुफरिया कहते हैं, हो सकता है मरने से पहले उसे तौबा नसीब होगी हो।